दोस्तों व्हाट्सएप हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है, और व्हाट्सएप भी दोस्तों यूजर्स को सहूलियत देने के लिए हर रोज नए नए फीचर रोल आउट करता रहता है। व्हाट्सएप स्टेटस भी दोस्तों व्हाट्सएप का एक बेहतरीन फीचर्स माना जा रहा है। दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस अभी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर दोस्तों हमें किसी का स्टेटस अच्छा लगता है तो हम उसको डाउनलोड करते हैं, लेकिन दोस्तों हम उसे कभी भी डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों हम गूगल प्ले स्टोर से किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसके द्वारा हम व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ये थर्ड पार्टी ऐप ज़्यादा सेफ या सुरक्षित भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के ही अपने मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड कर सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम चो टेक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप स्टेटस को पिछले 1.5 साल पहले ही रोल आउट किया था। जब से ये लॉन्च हुआ है, रोल आउट हुआ है, तब से दोस्तों युवाओं में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और दोस्तों आप भी अपने व्हाट्सएप में देखते होंगे कि किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में देखते होंगे कि किसी का वीडियो और फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको लगता होगा काश मैं ये डाउनलोड कर पाता, और आपको पता ही होगा कि 24 घंटे के बाद ये स्टेटस अपने आप हट जाते हैं। कई यूजर्स तो थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप इसको बिना थर्ड पार्टी ऐप के डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों थर्ड पार्टी ऐप हमेशा ही सुरक्षित नहीं है। थर्ड पार्टी ऐप दोस्तों सुरक्षित नहीं है, आपको हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए ऐसे थर्ड पार्टी ऐपों को। तो दोस्तों आज बिना थर्ड पार्टी ऐप के कैसे वीडियो स्टोर व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पसंदीदा व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको फोन में छिपे डॉट स्टेटस फोल्डर को अनहाइड करना होगा। आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं हो गए कि आप जब भी किसी व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लिक करते हैं वह अपने आप फोन में छिपे फोल्डर में स्टोर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस हिडन फोल्डर से वीडियो या पसंदीदा फोटो को कैसे निकालें। आपको बता दें कि कॉपीराइट की समस्या से बचने के लिए ही स्टेटस गैलरी में सेव नहीं। सबसे पहले दोस्तों फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों राइट साइड आपको एक ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे से तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरी एंड फाइल्स, इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाएंगे दोस्तों तो लास्ट में आपको व्हाट्सएप का एक फोल्डर दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके व्हाट्सएप में चले जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद दोस्तों आपको मीडिया में जाना है। मीडिया पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो पहला ही फोल्डर होगा डॉट स्टेटस, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने स्टेटस में जाकर जितने भी वीडियो और फोटो वर्क देखा होगा वो सभी वीडियो और फोटो आपको इस फोल्डर में दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों मैं एक आपको फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस फोटो को मैंने स्टेटस में जाकर देखा था तो ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सब वीडियो और फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं बिना इसी तरीके से दोस्तों आप बिना डाउनलोड किए फोटो और वीडियो को अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखा दोस्तों आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ किए बिना कैसे किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।